मैम थोड़ा सा नीचे आ जाना, अंदर आ जाओ, ब्लैक आ जाओ। बैठ बैठ बैठ, रुको। अब अच्छे लग रहा है। हाँ ये देख सही। आज बहुत अच्छे दिख रहे चश्मे में। हाँ सच में। आगे कमजोर भी है, क्या करें। जब भी कोशिश करती हूँ जिम शुरू करूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में ब्रेक लग जाता है। कभी हेल्थ को लेके, कभी ट्रैवल, बट इट्स पार्ट ऑफ आर लाइफ। पुश करना पड़ता है जिम के लिए। जब स्पेशली जब प्रिंस नहीं होता तो मैं बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ। ऐसा मन अंदर से बोलता है छोड़ो यार आज क्या करना है, बट आई पुश माई सेल्फ। अकेले आई हूँ, बोल बोल के सुबह से आई एम थिंकिंग कि आई एम लाइक चलो लेट्स जस्ट फिनिश द वर्कआउट फर्स्ट एंड देन। पुश करने के बावजूद इतनी फिट। एक्चुअली इट्स नॉट दैट आई एम नॉट इंटरनली दैट फिट, आई एम जस्ट कीपिंग माई सेल्फ कि हाँ अच्छा से अच्छा खाना खाऊँ, घर का खाना खाऊँ। घर का खाना नसीब नहीं होता है, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो। तो आई डाई फॉर होम फूड। बचपन में पहले बाहर का खाना खाने के लिए पागल होते थे, अब घर के खाने के लिए तरसते हैं। सो देन नथिंग एल्स, जस्ट द बेसिक लाइफ स्टाइल। जितना सादगी से लाइफ जियोगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। और सिंपल खाना, सिंपल लाइफ स्टाइल बेस्ट रहती है। एंड ऑलवेज जब भी मैं बोल रही हूँ, सुबह आने वाली थी, दोपहर हो गई है, पुश करते करते मैंने कहा इससे पहले आई स्टार्ट माई शूटिंग मुझे जाना चाहिए। सी बिग बॉस ने अपना ऐसा प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है बिग बॉस की कि ऑफकोर्स मैं आई एम तो पार्ट ऑफ बिग बॉस फैमिली, सो आई कैन से आई कांट अवॉइड। जो कलर्स पे बिग बॉस आता है उसके लिए सब लोग वेट करते हैं एंड आई एम वन ऑफ देम। ओके, आई रियली कांट से एनी थिंग, बट जो कुछ होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, सो आई थिंक वैसे रहने देना चाहिए। थैंक यू। येस आई एम शूटिंग फॉर ब्यूटिफुल सीरीज राइट नाउ, मैं उसमें बिजी हूँ, उसका खुलासा मैं जल्दी करूँगी। थैंक यू।